नमस्ते, स्वागत है आपका आज भारत टीवी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ मिताली नाइक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देख रहा है इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आर के सिंह। इस वक्त मैं राजपुर प्रखंड के राजपुर जिला परिषद के कार्यालय के पास में उपस्थित हूं और यहां पर राजपुर में कोई घटना घट चुका है और आप देख सकते हैं पीछे में यहां पर राजपुर जिला परिषद कार्यालय है और राजपुर की जिला परिषद रेशमा कुमारी के ऑफिस में काफ़ी जाम है। तो आइए मैं जानने का प्रयास करूँगा कि वह कौन सी समस्या है जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। पार्षद हूँ, मुझे इस तरीके से इन्होंने गलत काम के लिए, इनका काम है दलाली, ये दलाल करता है इंसान ब्लॉक। मैडम मामला क्या, उस मामले को थोड़ा जानकारी दीजिए। हरबसपुर में होली के एक दिन पहले दो कुर्मी जाति ही आपस में लड़े थे और ये 12,000 रुपया अमरेश चौधरी कमीशन लेकर और गलत रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना से लेकर हॉस्पिटल तक ये गए थे। तो उसी दरमियान में मैं पहुंच गई, मैं हॉस्पिटल में गई थी, जो सीनियर डॉक्टर है उनको ये बोलने के लिए, सर रिपोर्ट सही होना चाहिए। एक ग्रामीण जनता, एक जनता दूसरे जनता से इतनी मार पीट करके उस बच्चे को 3 दिन तक होश नहीं आया। पीएमसी में पटना में वो दोनों बच्चे भर्ती हैं और मैं उस गाँव का डर से कोई आदमी उसको उठा नहीं रहा। मैं गई, मुझे फ़ोन आया, मैं गई, मैं उस एम्बुलेंस बुलाई, प्रशासनिक बुलाई, मैं खुद भी गई, मैं उस बच्चे को खुद उठाकर एम्बुलेंस में डाली। रात को 8 बजे की ये घटना है और ये बैठ के साहब दलाल रिपोर्ट वहाँ गलत खा रहे। हालांकि इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे ग्रामीण बड़े वरिष्ठ भाई थे, जेठ थे, लेकिन इन्होंने अभ्रंश भाषा का मेरा बहुत यूज किया, इसलिए आक्रोश में मैं भी ये बात बोल रही हूँ। मतलब ये सारा जो मामला हुआ इसका आपके पास में कोई एविडेंस है? एविडेंस मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब भी थे, उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बोला मैडम इनको मैं मारूं, मैं बोला नहीं, ये मेरे जेठ लगेंगे गांव के, मैं यहाँ की बहू हूँ। तो इन्होंने नहीं मारा, इनको भी हाथापाई उन्होंने करने की कोशिश की बाहर निकलकर, क्योंकि उसमें सीसी कैमरा लगा होगा इसलिए वो वहाँ पर ऐसा नहीं किया, और पिस्टल भी ताने की कोशिश की, लीगल इनका पिस्टल है तो ये बड़ी बात नहीं है, पिस्टल तानना बड़ी बात नहीं। मैं भी महिला थी, चप्पल मार सकती थी, लेकिन हमने अपनी मर्यादा समाज को एकत्रित किया, समाज को समझा है। क्या निर्णय लिया गया आज? आज हमारे सारे समाज ये कहे कि इसे गांव पे इनके घर चलिए, उनकी महिला से बात किया जाए, उनको बात किया जाए, लेकिन ये तो शहर ही छोड़ के भाग गए। सुबह ही लोकेशन मैंने निकालने की कोशिश की पर निकल नहीं पाया, वो मोबाइल बंद कर रखे हैं। पहले से उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आज मतलब इस विषय पर बैठक होने वाला है? नहीं, कल रात तक उनको नहीं मालूम थी, लेकिन सुबह में उन्होंने किसी ने बता दिया है, इसलिए वो सुबह ही 6 बजे बैग लेकर हैं तो यहीं आसपास में कहीं भागे हुए। मेरी इतनी जनता आक्रोश में है, युवा बच्चे बूढ़े सभी की पिक्चर आप लोगों के पास होगी, सभी जुटे हुए हैं कि इनको बहुत पीटना है रोड पे ही, क्योंकि हर एक महिला के साथ ये ऐसा छेड़खानी हमेशा 6 महीना पे ये करते रहते हैं, इनको दिमागी कुछ संतुलन खराब हो गई है। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की यही मांग है, जो भी जदयू के हमारे वरिष्ठ नेता सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं भी सहजातीय हूँ, वो भी सहजातीय, नीतीश कुमार सर की छवि ये खराब करें, इसको पोस्ट से हटाई जाए।